हेलो गाइस, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। अपने इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने सॉल्व किया है टेस्ट पेपर 18 से। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है 14 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। देन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट्स। वैल्यूज पुट करेंगे, बेस है 14, हाइट है 8, 1/2 इंटू 14 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कैंसिल करेंगे, 2 1 2 टू 4 जाए 8, 14 × 4 इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बी नंबर आंसर हमें मिल जाएगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्वेश्चन से इस तरह से देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। गिवन है यहाँ पे द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स हाइट एंड इट्स एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। एक ट्राइंगल है, उसका बेस जो है हाइट से 4 टाइम्स है, एरिया 50 मीटर गिवन है, देन हमें उस ट्राइंगल का बेस फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लेट कर लिया है कि ट्राइंगल का हाइट जो है वो एक्स मीटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जो छोटा है उसको हम लेट कर लेंगे, हाइट यहाँ पे कम है इसलिए हमने उसे एक्स लेट कर लिया है। बेस क्या हो जाएगा, 4x मीटर। एरिया गिवन है 50 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 50, जो कि गिवन है। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा 4x, इंटू हाइट क्या हो जाएगा x, इज इक्वल टू 50। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 2 2 4 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/2 इज इक्वल टू 25। हेंस एक्स इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। ओके फ्रेंड्स, सो हमें फाइंड क्या करना था, बेस ऑफ ट्राइंगल। तो बेस क्या हो जाएगा, 4x मीटर। ओके फ्रेंड्स, ये हमने 4x लेट किया था, 4 × 5 एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, 4 × 5 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स। गिवन है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 20 सेंटीमीटर इन द लेंथ एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन इट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टाइसेस आर 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज, ओके फ्रेंड्स एरिया हमें फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का। सबसे पहले हमने इस तरीके से ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया है। यहाँ पे ए सी जो है इसका डायगोनल हो गया, दो इसमें परपेंडिकुलर हैं, डी एम एंड बी एल इसके ऑपोजिट वर्टाइसेस से। ओके फ्रेंड्स, डी एम हो गया 11.5 सेंटीमीटर, बी एल हो गया 8.5 सेंटीमीटर। ओके, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ए बी सी के लिए फ्रेंड्स हम देखेंगे, ए बी सी में बेस है ए सी, हाइट है बी एल, ये हमने पुट कर दिया, प्लस ए डी सी में, ए डी सी में बेस हो जाएगा ए सी, हाइट हो जाएगी डी एम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हमने पुट कर दिया, 1/2 इंटू ए सी इंटू डी एम सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा फ्रेंड्स यूनिट। 1/2 ए सी दोनों में, सो हमने कॉमन ले लिया है, बचेगा बी एल प्लस डी एम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ए सी है 20, बी एल है 8.5, डी एम है 11.5। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 10 20, 8.5 प्लस 11.5 इज इक्वल टू 20 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, हेंस 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं फ्रेंड्स। गिवन है ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रोम्बस इज। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे रोम्बस की ईच साइड जो है इक्वल होती है एज वी नो, और उसकी लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल गिवन है 24 सेंटीमीटर, देन हमें एरिया फाइंड करना है रोम्बस का। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमने सबसे पहले इस तरीके से एक रोम्बस बना लिया है, ए बी सी डी लेट कर लेते हैं। ए बी सी डी हमारा रिक्वायर्ड
रोम्बस है, ईच साइड इसकी क्या है 15 सेंटीमीटर है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसका एक डायगोनल है ए सी जो कि है 24 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है बी डी को, अदर डायगोनल जो है बी डी उसको हमने ज्वाइन किया है। एज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। ओके फ्रेंड्स, मीन्स ओ पे ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, देन क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, मीन्स ए ओ क्या हो जाएगा 1/2 ए सी, ए सी का हाफ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए ओ। ओके, मीन्स 1/2 × 24 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिल गया है, ए ओ। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख सकते हैं राइट ट्रायंगल ए ओ डी में, ए ओ डी में राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे यहाँ पे हम देख सकते हैं ए ओ डी 90 डिग्री हुआ है, ए डी 15 सेंटीमीटर है, ए डी 15 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन था रोम्बस की साइड, ए ओ 12 सेंटीमीटर है, अभी हमने फाइंड किया है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, देन क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर या डी ओ का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब वैल्यूज पुट कर देंगे, ए डी 15 गिवन है, ए ओ हमने 12 फाइंड किया है, डी ओ हमें फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 144 को ट्रांसपोज करके लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस में हो गया, 225 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 81, 81 का यहाँ पे अंडर रूट में डालेंगे इसको आएगा 9, सो हमें डी ओ या ओ डी जो है वो क्या मिल गया, 9 सेंटीमीटर। यहाँ ट्रायंगल में हम देख सकते हैं फ्रेंड्स इधर से इधर ओ से डी की लेंथ हमें क्या मिल गई है, 9 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बी डी निकाल सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, बी डी और डी बी 2 × DO या ओ डी, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, बी डी मीन्स 2 × 9 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको दो डायगोनल्स जो है रोम्बस के वो पता चल गए हैं। लेट कर लेते हैं कि डी वन जो है ये हो जाएगा, ए सी को हमने डी वन ले लिया और बी डी को हमने यहाँ पे डी टू ले लिया। ओके फ्रेंड्स, देन एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी क्या हो जाएगा, 1/2 × D1 × D2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हम पहले से जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी रोम्बस का एरिया क्या हो जाता है, 1/2 × D1 × D2। डी वन और डी टू क्या हो गया, इसके दो डायगोनल्स हो गए। वैल्यूज पुट कर देंगे दोनों डायगोनल्स की, 1/2 × 24 × 18, 18 अभी हमने फाइंड किया है, 24 ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, 2 × 1 = 2 and 2 × 2 = 2, 2 × 4, 12 × 18 = 216 cm². ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने इस तरीके से गिवन रोम्बस को यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसके बाद जो चीज़ें गिवन है वो हमने लिख ली हैं लाइन बाय लाइन, जॉइन कर दिया है बीडी को, देन स्टेप बाय स्टेप हमने ऐसे सॉल्व किया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।